लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि लेंस के फोटो को किस तरह से एडिट करना है, और मैंने आपको बहुत बेसिक सी और माइनर सी एडजस्टमेंट्स करके दिखाई थी, जिसमें हमने इस इमेज को फ्रॉम दिस टू दिस कलर ग्रेड किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो यहाँ ऊपर क्लिक करके उसे देख लें, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम पोर्ट्रेट फोटो को एडिट करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि पोर्ट्रेट की एडिटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें स्किन टोन का ख्याल रखना पड़ता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। ये सेल्फी मैंने यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए बस में बनाई थी। शाम का वक्त था तो आपको नज़र आ रहा है कि कूल सी इमेज है, वैसे भी सर्दियों के दिन थे, तो ये इमेज मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया ताकि आप लोगों को इसीलिए समझ आ जाए कि हमने स्किन टोन किस तरह से एडजस्ट करना है। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं लाइट के पैनल में आता हूँ और इसकी हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम करता हूँ। हाइलाइट्स को कम करने के बाद मैं इसके शेडोज़ को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर दूँगा, ठीक है बस। और मुझे नज़र आ रहा है कि इस इमेज के अंदर मेरे नोज़ के ऊपर और मेरी जो राइट साइड है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हो रही है, उसके ऊपर काफ़ी लाइट पड़ रही है। विंडो के सामने बैठा हुआ था मैं, तो अब वाइट एरिया को ख़त्म करने के लिए हम वाइट वाले स्लाइडर को थोड़ा सा कम कर देंगे। ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा। ज़्यादा करेंगे तो आपका जो स्किन टोन है वो सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसमें से वाइट जो है वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ब्लैक्स हैं तो ब्लैक्स को भी मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ करता हूँ बस जी। उसके बाद हैं हमारे पास कंट्रास्ट एंड एक्सपोजर। अब लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हमने कंट्रास्ट और एक्सपोजर को नहीं छेड़ा था क्योंकि उसमें ज़रूरत ही नहीं थी। अब इस इमेज में हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट है ब्लू का और मैजेंडा का, तो हम इसे कम कर देंगे, ठीक है बस। अच्छा जी, एक्सपोजर की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है कम करने की या ज़्यादा करने की, कलर्स एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम एक्सपोजर करेंगे। लाइट वाले पैनल के बाद हैं जी कलर्स, और कलर्स में हमें नज़र आ रहा है कि ये इमेज बहुत ज़्यादा कूल है, तो हम ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर जो है वो वार्म वाली साइड पर लेकर जाएंगे, राइट देयर, ठीक है। उसके बाद टिंट, वाइब्रेंस और सैचुरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम इसके मिक्स में आ जाते हैं। और सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमें जो ब्लू इसमें नज़र आ रहा है और मैजेंडा कलर नज़र आ रहा है उसकी सैचुरेशन को कम कर देंगे। ऑल राइट, बस ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे होठों का कलर भी अभी थोड़ा सा मैजेंडा ही है, पिंकिश लग रहा है जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, हम इसको रेड करना चाहते हैं, तो हम पिंक कलर में आएंगे और इसकी ह्यू को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे, ठीक है बस। अच्छा, उसके बाद हम येलो में आते हैं और इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ऑरेंज की सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और रेड की सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है जी, डन। अब आए इसकी कलर ग्रेडिंग में, और सबसे पहले आप इसके शेडोज को ऑरेंज और रेड के जो दरमियान कलर है, ये रेड है, यहाँ पे ऑरेंज है, और इसके दरमियान में जो कलर है हम वो रखते हैं बस। मिड टोन्स में आए और मिड टोन्स हम इसकी रखना चाहते हैं जी येलो और ऑरेंज के जो दरमियान है, तकरीबन ये हम ये मिड टोन इसको देना चाहते हैं, ठीक है बस। उसके बाद हाइलाइट्स हम इसको ऑरेंज देना चाहेंगे, ठीक है बस। इसके बाद है जी ग्लोबल। अब ग्लोबल हमने लास्ट वीडियो में यूज़ नहीं किया था, लेकिन मैं आपको इसका मतलब बता दूं कि ग्लोबल जो कलर ग्रेडिंग में पैनल है, इसका मतलब होता है कि आपकी इमेज के जो ओवरऑल कलर हैं वो कौन से होने चाहिए। तो हम इसमें भी इसको ऑरेंज और येलो के जो दरमियान वाला कलर है हम चाहते हैं कि वो इसका ओवरऑल कलर हो इमेज का, ठीक है डन।
कलर्स की सेटिंग भी हो गई और लाइट्स की सेटिंग भी हो गई। अब आप देखें कि इस इमेज को पहले किस तरह थी और अब किस तरह हो गई। तो यहाँ तक इमेज की हमने कलर्स और लाइट्स की सेटिंग कर ली। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि थोड़े से टेक्सचर ज़्यादा होने चाहिए और इसमें थोड़ी सी शार्पनिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं इसके इफ़ेक्ट्स में आऊँगा और इसके टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। और चूँकि ये स्किन है और ये पोर्ट्रेट है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी क्लैरिटी को थोड़ा सा कम कर दूँ। और ये दो टेक्सचर और क्लैरिटी करने के बाद डीहेज और वेजिनेट की ज़रूरत नहीं है इस इमेज में। तो हम इसके बाद आते हैं डिटेल्स में और इसकी मैं शार्पनिंग को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, बस। तो स्टिल हमारी इमेज, मेरी इमेज में नोज़ के ऊपर और राइट साइड के ऊपर अभी भी ज़्यादा लाइट पड़ रही है। तो मैं इसके लाइट वाले पैनल में दोबारा आऊँगा और इसके कर्व पर क्लिक करूँगा। और इसके कर्व की सेटिंग हमने लास्ट इमेज में तो नहीं की थी, लेकिन इस इमेज में आप देख लें कि हमें इसकी हाइलाइट्स को कम करना है और इसके शेडोज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ठीक है जी, बस एनफ। तो दैट इज इट। अब ये इमेज काफी बेहतर हो गया पहले से। लुक, ये है इसका बिफोर और ये है आफ्टर। तो आई होप यू लाइक्ड इट। अब इस इमेज में इसकी स्किन के ऊपर एक्नीज हैं, वो फोटोशॉप में रिमूव होती हैं, तो वो भी हम फ्यूचर में अगर मौका मिला या आपने चाहा तो हम बना लेंगे और आपको मैं बता दूंगा कि आप एक्नीज वगैरह चेहरे से किस तरह से रिमूव करते हैं। वो काम फोटोशॉप में होता है। तो बहरहाल जो भी, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। तो दुआ में याद रखिएगा एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम अच्छी अच्छी इमेजेस अपलोड करते हैं। तो बाय बाय।